सो ही गाइज वेलकम बैक टू अनदर ऑसम गेम प्ले। तो गाइज आज का अपना सीन थोड़ा सीरियस है क्योंकि गाइज लॉस सैंटोस में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वायरस फैल चुका है जो कि है एक ज़ॉम्बी वायरस। गाइज जैसे कि अपनी दुनिया में कोरोना वायरस फैल चुका है वैसे ही लॉस सैंटोस में भी एक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है जो कि यार कोरोना से बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि गाइज जो भी लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाता है वो बिल्कुल ही पागल हो जाता है और दूसरों को काटते फिरता है और जो ज़ॉम्बी दूसरे इंसान को काटता है वो भी यार ज़ॉम्बी बन जाता है। और ये बात अपने आयरन मैन को पता लग चुकी है और जब से ये बात आयरन मैन को पता लगी है आयरन मैन अपना बहुत ही ज्यादा सीरियस है और इसे लेकर वो बहुत ही ज्यादा काम भी कर रहा है। तो गाइस चलो अपने टोनी स्टार्क से ही पूछते हैं कि वो इस वायरस के बारे में क्या सोचता है। तो यार मैं क्या बताऊं, जब से इस वायरस का मुझे पता लगा है मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुका हूं क्योंकि यार मैंने थैनोस से तो फिर भी एक बार दुनिया को बचा लिया था लेकिन अभी एक बार फिर से ये पूरी दुनिया बहुत ही ज्यादा खतरे में आ चुकी है क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता किया कि ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये अगर बहुत ज्यादा लोगों में फैल गया तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत साबित होगी। इसीलिए मैंने अपने जार्विस को बोला है कि वो जल्द से जल्द इस वायरस का एंटीडोट निकाले लेकिन मेरा जार्विस बोल रहा है कि वो इसका एंटीडोट तब तक नहीं बना सकता जब तक कि उसके पास ज़ॉम्बी वायरस ना हो यानी कि उसके पास कोई इन्फेक्टेड मैन ना हो। और गाइज इन्फेक्टेड मैन को यहाँ पर लाना मेरे लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है तो जार्विस मुझे एक बार शहर में तो जाना ही पड़ेगा और मैंने अभी यहाँ पर वो लिस्ट बनाई है जहाँ पर लोग सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है। लेकिन जार्विस तू मुझे ये बता मुझे शहर में अपना कौन सा सूट पहनकर जाना चाहिए जिससे मैं सेफ भी रहूं और अगर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज मुझ पर अटैक कर देते हैं तो मैं उनका सामना भी कर पाऊं। तो सर अगर आप मेरी मानो तो आप अपना मार्क 85 सूट जो कि आपने एंड गेम में यूज किया था आप इसे पहनकर वहां पर जाओ। अगर इसे आप वहां पर पहनकर जाओगे तो आप ज़ॉम्बी से 60% सेफ रहोगे और अगर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज या कोई बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी आपकी तरफ आता है तो आप उसका सामना भी कर पाओगे। तो जार्विस तू एक काम कर मेरा मार्क 85 सूट तैयार कर और मैं शहर की तरफ निकल रहा हूं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने अपना मार्क 85 सूट पहन लिया है ताकि मैं ज़ॉम्बी से सेफ रहूं और यार यहाँ पर इतनी शांति है कि ये शांति मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट दे रही है क्योंकि ये शांति आने वाले तूफान से पहले की शांति तो नहीं है इसीलिए यार मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा हूं। तो चलो यार इसी के साथ शहर की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ने वहां पर कितना कोहराम मचाया हुआ है। और जैसे कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे पता लगा है कि शहर के बीचों बीच इस ज़ॉम्बी वायरस ने बहुत ही ज़्यादा लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया है तो मुझे अगर वहाँ पर कोई नॉर्मल पर्सन दिखता है तो यार मुझे उसे किसी सेफ जगह पहुँचाना होगा और जो ज़ॉम्बीज मुझे आगे दिखेंगे मुझे उनका सामना भी करना पड़ेगा। उससे पहले गाइज अगर आप अपने चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार एक बार चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और यार इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने शहर के बीचों बीच। और गाइज एक बार तुम यार आसमान की तरफ देखो ये आसमान देखकर मुझे लगता है कि नेचर भी मुझे कोई इशारा दे रही है कि ज़ॉम्बी वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है आयरन मैन और तू यहाँ पर सेफ रही हो। तो चलो यार हम शहर के बीचों बीच तो आ चुके हैं लेकिन यहाँ पर एक बार ज़ॉम्बीज को और देख लेते हैं। तो भाई लोग देखो मैं शहर के बीचों बीच आ चुका हूँ और ये इलाका इतना सुनसान कैसे है। गाइज अगर आप जानते हो तो लॉस सैंटोस में कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पर कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। और यार एक ज़ॉम्बी मेरी तरफ आ रहा है मैं एक बार इससे थोड़ा बचने की ट्राई करूँगा और अगर ये मेरा पीछा बहुत ज़्यादा करता है तो भाई मुझे इसे मारना ही पड़ेगा। तो भाग तू यहाँ से। ओ भाई आयरन मैन ओपी है यार आयरन मैन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो गाइज हमने अपने आयरन मैन की तो तारीफ कर ही दी है लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं दिख रहा है जो इस वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। और यार अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो देखो इन्हें किसी इंसान ने बार बार काटा हुआ है यानी कि ये जब ज़ॉम्बी बन जाते हैं तब ये एक दूसरे को काटने लग जाते हैं जिससे कि नॉर्मल इंसान भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो यार मैं ये तो जान चुका हूँ कि लोग इन्फेक्टेड कैसे हो रहे हैं और इसका एंटीडोट बनाना अपने लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है लेकिन मैं जानता हूँ कि जो अपना जार्विस है वो ये कर पाएगा। और यार देखो शायद इन्हें स्मेल आ रही है कि कौन नॉर्मल है और कौन इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है इसीलिए ये लोग मेरी तरफ बार बार भाग रहे हैं। लेकिन भाग यहाँ से। गाइज मुझे इन ज़ॉम्बी से थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा क्योंकि ये वायरस शायद हवा में भी फैला हो सकता है जैसे कि अपना कोरोना वायरस। गाइज मुझे इनसे थोड़ा बचना होगा और यार मुझे अपने जार्विस के लिए एक ज़ॉम्बी को लेके जाना होगा तभी अपना जार्विस इस वायरस का एंटीडोट बना सकता है। इसीलिए गाइज मुझे किसी ऐसे ज़ॉम्बी को पकड़ना होगा जिसे मैं मारूँ तो वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय ना हो। तो चलो भाई लोग एक बार इनका काम तमाम करते हैं। तो आयरन मैन दिखा दे अपनी पावर मार्क 85 सूट की पावर। भाई साहब देखो यार देखो
अपना मार्क 85 सूट तो एक नंबर है और मैंने अपने वेपन को बदल लिया भाई लोग, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज अपने पास आने लगे हैं। तो आयरन मैन इन्हें दिखा दे अपनी पावर। भाई 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 यार, ये तो वही वेपन है जिसके साथ अपने आयरन मैन ने एंड गेम में थैनोस को रहा था। लेकिन भाई देखो, मैं यहाँ पर एक को मार रहा हूँ तो दूसरा बंदा मेरे पास आ रहा है, तो जल्दी जल्दी ये भाई लोग भाई लोग भाई लोग यार, ये लोग बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुके हैं और मुझे जल्दी से जल्दी इन्हें खत्म करना होगा। तो आयरन मैन दिखा दे इन्हें अपनी पावर, सभी को उड़ा दे, सभी को उड़ा दे आयरन मैन। मशीन गन आयरन मैन की ओपी है भाई, इससे कोई भी नहीं बच सकता। आ जाओ ज़ॉम्बी, अगर तुम्हें पावर है तो तुम आयरन मैन को हरा कर दिखाओ, आयरन मैन तुमसे डरने वाला नहीं है। तो ज़ॉम्बीज आ जाओ। गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि यार यहाँ पर कितनी ज्यादा कार खड़ी है, और अगर आप इन कार को ध्यान से देखोगे तो यार ज़ॉम्बीज ने इन कार के शीशों को पूरी तरह फोड़ दिया है, और जो भी इंसान इनके अंदर थे इन्होंने उन्हें काट कर अपने जैसा ज़ॉम्बी बना लिया है। तो भाई लोग, मुझे लगता है कि जो भी इंसान सेफ होगा वो कहीं पर छुप कर बैठे हैं। तो चलो यार, एक बार इन ज़ॉम्बीज का सामना करते हैं और इन्हें बताते हैं आयरन मैन की पावर। ओ गाइस, देखो भाई लोग, देखो आयरन मैन को तुम क्या सोच के रखे थे, आयरन मैन एक ही बार में तुम सभी को खत्म कर सकता है। चले जाओ ज़ॉम्बीज, चले जाओ, आयरन मैन का तुम सामना नहीं कर सकते हो, जल्दी भागो यहाँ से। गाइस, मुझे लगता है कि जो मैं वार कर रहा हूँ उनसे ये ज़ॉम्बीज थोड़े देर के लिए तो बेहोश हो रहे हैं, लेकिन वो फिर से पहले जैसा बन जाते हैं। और यार देखो, मैं लगभग पूरे शहर में घूम चुका हूँ और मुझे यहाँ पर एक भी ऐसा इंसान नहीं मिल रहा है जो कि इस वायरस की चपेट में ना आया हो। जहाँ पर भी देखो वहीं पर हमें मिलते हैं ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी। तो आयरन मैन, इन्हें अपनी पावर दिखा दे। भाई साहब देखो, एक ही बार में सभी ज़ॉम्बीज का काम तमाम, ज़ॉम्बीज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन गाइज, अपने आयरन मैन को कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी तो यार अपना आयरन मैन यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहा है कि कौन सा एरिया सेफ है, लेकिन आयरन मैन जहाँ पर भी जाकर देख रहा है उसे लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी एरिया सेफ नहीं है। तो आयरन मैन, अभी ज़ॉम्बी फिर से तेरे पीछे आ चुके हैं, तो जल्दी से इन्हें ख़त्म कर दे। भाई साहब देखो, देखो यार देखो, चला जा यहाँ से, आयरन मैन के सामने तो कुछ भी नहीं है, मच्छर। आयरन मैन का सामना तुम कैसे करोगे भाई? देखो, ओ भाई देखो, भाई लोग देखो, आयरन मैन से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ज़ॉम्बीज, तुम आयरन मैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। लेकिन गाइज, अभी मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन अपने प्यारे शिनचैन की हो रही है। शिनचैन पता नहीं कहाँ पर होगा और उसकी फैमिली उसे पता नहीं कहाँ पर लेके गई होगी। लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि अपना शिनचैन जहाँ पर भी हो सेफ हो। तो गाइज, जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि ये ज़ॉम्बी यहाँ पर अकेला है, और मैंने अपने सूट पर अभी एक ऐसे सीरम को एक्टिवेट किया है जिससे मैं इस वायरस के इन्फेक्शन में ना आऊं। तो चलो भाई लोग, एक बार जल्दी जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं और इसे अपने मैंशन पर लेकर जाते हैं ताकि अपना जार्विस इसका एंटीडोट बना सके। तो भाई लोग चलो, अभी इनसे थोड़ा बॉक्सिंग ही करते हैं, ले। और भाई देखो, आयरन मैन ने बिल्कुल सिर ही फोड़ दिया। तो भाई लोग, जैसे कि आप सभी देख सकते हो, मैंने इसे बुरी तरीके से मार दिया है और ये शायद बेहोश है, इसीलिए मुझ पर वार नहीं कर रहे हैं, वरना अभी तक जितने भी ज़ॉम्बीज आए सभी मुझे खाने की कोशिश कर रहे थे। तो चलो भाई लोग, एक बार जल्दी से इन्हें उठा लेते हैं और सीधा अपने लैब में लेकर चलते हैं। तो भाई लोग, अभी अपने आयरन मैन ने एक ज़ॉम्बी को उठा लिया है और ये अभी सीधा उसे अपने मैंशन की तरफ लेके जाने वाला है। तो चलो भाई लोग, अभी सीधा अपने आयरन मैन के मैंशन की तरफ चलते हैं। तो गाइस, इसी के साथ आयरन मैन अपने मैंशन पर पहुंच चुका है और वो एक ज़ॉम्बी को भी अपने साथ ले आया है। लेकिन गाइस, रास्ते में ही देखो उसका क्या हाल हो चुका है, उसकी आधी हड्डी बाहर निकल चुकी है। तो मुझे अभी लगता है कि अपना जार्विस इसका एंटीडोट बना लेगा। तो जार्विस ले, मैं एक ज़ॉम्बी को लेकर आ चुका हूं, तो जल्दी से यार तू इस वायरस का एंटीडोट बना ले। और मुझे भी यार पता नहीं क्या हो रहा है, मैं वहां पर बिल्कुल सेफ था, लेकिन शायद मैं अभी इस ज़ॉम्बी को यहां पर लाया हूं ना, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस मुझे भी इन्फेक्ट करने लगा है। तो जार्विस, तू जल्दी जल्दी से यार इसका एंटीडोट बना ले, वरना शायद मैं भी इस वायरस का शिकार ना बन जाऊं। और अगर मैं इस वायरस का शिकार बन गया तो अपने पूरे लॉस सैंटोस को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। तो गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कि अपने आयरन मैन के साथ आगे क्या होने वाला है और क्या आयरन मैन अपने लॉस सैंटोस को बचा पाएगा, तो इसके लिए भाई लोग आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जल्दी जल्दी से यार एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, और अपने अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या आयरन मैन अपने शहर को बचाने में कामयाब हो पाता है या फिर ये वायरस उसे भी इन्फेक्ट कर देगा। और गाइस, शिनचैन इस वक्त कहां पर है ये भी पता आपको अगली वीडियो में ही लगेगा। इसीलिए गाइस, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गाइस, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि अपने आयरन मैन को भी कुछ होने लगा है, शायद यार ये इस वायरस से इन्फेक्टेड होने वाला है। तो भाई लोग, देखना होगा कि आगे क्या होगा।